हमारे साथ इस वक्त आज तक पर हैं ऐसे एक डॉक्टर जो उस दिन जिस दिन ये घटना हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो खुद काम कर रहे थे। हमारे साथ है डॉक्टर तापस प्रामाणिक। वायरल वीडियो है, उसमें कोलकाता पुलिस ने ये कहा है कि वो जो कॉर्डन ऑफ एरिया था 42 फीट, उसके बाद 52 फीट का पूरा लंबाई था उस रूम का, 42 फीट तक वो क्राइम सीन को उन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, उसके बाद भीड़ देखने को मिला है, ये कोलकाता पुलिस ने कहा है। और दूसरा एक फोटो कोलकाता पुलिस ने रिलीज किया, आपने भी देखा होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक टीम और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो लोग लाश के आसपास है और कोई नहीं है। क्या आप इनको मानते हैं? देखिए, वो कोलकाता पुलिस जो बोल रहा है ना, एक सरकस है। क्यों सरकस है? देखिए, अगर एक रूम उसका जो लेंथ है 51 x 32 शायद, तो 51 में वो लोग बोल रहा है हम लोग 40 फीट कॉर्डन ऑफ किया, हाँ। जो बॉडी से लेके 40 फुट तक। तो अगर कोलकाता पुलिस उस सेमिनार रूम के अंदर जाके उनका पता चल गया जो क्राइम सीन 40 फुट ही है, वो 11 जो फीट है उनके कोई फुटप्रिंट नहीं है, वो लोग कैसे कह सकते? ये तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नहीं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। और जो 11 फीट है ये तो एक मछली का बाजार कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारा बाहर से लोग उधर आ गया, उनको आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग क्यों आया, उनका इंटेंशन क्या है? आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि बाहर के लोग वहां पे थे? है वो तो नहीं, हम लोगों के पास तो उस टाइम पे नहीं था। वो तो देखिए, जब इन्फॉर्मेशन आया तो वायरल वीडियो से इतना सारा लोग था, हाँ। क्योंकि देखिए, इनका जो माँ बाबा है उनका अंदर घुसने नहीं दिया, तो इनका जो फ्रेंड लोग एजिटेट कर रहा था उनका भी अंदर घुसने नहीं दिया। कौन लोग अंदर घुसा था? एक नेशनल कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसका पोस्टिंग है नेशनल मेडिकल कॉलेज, वो क्या कर रहा है, इधर जो संदीप घोष प्रिंसिपल था उनका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था। तो पीए का उस क्राइम सीन में क्या क्या काम था? और आप जो कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और वहीं से डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा और वहीं के डेथ का टाइम भी लिखा रहेगा, लेकिन वो 3 घंटा क्यों लगा, क्यों प्रोसेस क्या क्या है, और एक बार फिर से? एक्चुअली इमरजेंसी में आके वो एक टिकट निकला चाहिए, इमरजेंसी का टिकट। वो इमरजेंसी टिकट में पहले वो हिस्ट्री लिखना चाहिए, वो डिपार्टमेंट कोई करना, डिपार्टमेंट वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो है जिसका उस दिन ड्यूटी था वही कर देंगे, जो किया बाद में। तो उसका ऊपर एक पुलिस रिपोर्ट की फाइल होगा, तो उसके बाद क्या होगा, डेड बॉडी हैंड ओवर हुआ फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो अभी वो डोम लेकर जाएंगे, तो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उससे पहले तो अभी टाला पुलिस, उसका जो घर है उधर का पुलिस का ऐसा कुछ उन लोगों का इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगा उनके बीच में, जो इधर एक डेथ हुआ तो आप लोग आइए। तो इधर क्या किया, वो 3 घंटा तक कुछ भी नहीं किया। तो अभी 3 घंटा तक